तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाले एक इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। अगर आप अपने सैमसंग गैलेक्सी में गुड लक ऐप का यूज़ करते हैं अपने मोबाइल को कस्टमाइज़ करने के लिए, उसके अंदर एक मॉड्यूल था रेगिस्टार ऐप को अगर आप यूज़ करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हुआ क्या था, इससे पहले वर्जन 1 में एक नया अपडेट आया था रेगिस्टार ऐप में, अभी 2-3 दिन पहले ही। उस अपडेट में क्या हुआ है, उस अपडेट के बाद आपको एक प्रॉब्लम सी आने लगी है। सकता है खोल सकते हैं बहुत सारे सैमसंग यूज़र में एक वहाँ पर एक बग्स मिला है। अब आज क्या हुआ है दोस्तों, एक नया अपडेट एक और रोल आउट किया गया रेगिस्टार में, जिसमें क्या किया गया, जो वो बग्स था उसको फिक्स कर दिया गया है। क्या ये बग्स है और क्या ये फिक्स किया गया, आगे आपको बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिस में बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि बताया, मैं आपको बता रहा हूँ एक नए अपडेट के बारे में, बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ले जा रहा हूँ मैं यहाँ पर गुड लक वाली ऐप में। अगर आप अपने मोबाइल के गुड लक वाली ऐप में जाएंगे, वहां पर आप देखेंगे वहां पर आपको एक मॉड्यूल मिलता है जिसका नाम है रेगिस्टार। अभी रिसेंटली अभी ज्यादा मंथ या 2 महीने पहले इसको रोल आउट किया गया इस ऐप को, और इस ऐप में अभी रिसेंटली भी एक नया अपडेट आया था। उस अपडेट में क्या किया था कि कुछ नए चेंजेस किए गए थे। आपको पता होगा इस ऐप का मेनली काम क्या है, ये बैक टैप का यूज करता है। अगर आप यहाँ पर बैक टैप का यूज करेंगे तो ये बैक टैप आपका यूज कर रहा है। आप देख रहे होंगे आपको नीचे एक नरेशन भी आ जाएगी और ये बैक टैप काम करने लग जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला फीचर काम करता है। अब हुआ क्या है दोस्तों, इसमें क्या है कि इससे प्रीवियस वर्जन में जो भी नया अपडेट आया था उसमें एक बग्स मिला है। उसमें बग्स ये है कि जैसे आप यहाँ पर कोई भी इसको ट्रिगर करेंगे तो किसी किसी मोबाइलों में या किसी किसी सैमसंग में वहां पर एक डॉट बन किया जा रहा है और वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। तो ये इसके में अभी नया एक और अपडेट रोल आउट किया गया, अभी रिसेंटली एक नया अपडेट रोल आउट किया गया। आप देखेंगे अभी रिसेंटली एक नया अपडेट आया है जिसके अंदर उन्होंने क्या किया है, फिक्स्ड अ ब्लैक डॉट शो वाइल यूजिंग बैक टैप फंक्शन। जब भी आप बैक टैप फंक्शन को यूज कर रहे थे वहां पर एक डॉट आ रहा था जिसको यहां पर एक्टिवेशन कर दिया गया है। तो उसको कर लेते हैं अपडेट और उसको वहां पर मतलब फिक्स आउट कर दिया गया उस बग्स को। नीचे की तरफ देखेंगे तो इस वर्जन को कब रोल आउट किया गया, इनके दिन रोल आउट किया गया है और ये इसका साइज है 30 MB का ही अपडेट है। ठीक है, इसका मेन काम यही है कि जो बग्स थे उसको यहाँ पर फिक्स आउट कर दिए गए। इसके अभी अपडेट होने के बाद मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि एक्चुअल में इसका अपन कैसे यूज़ करते हैं और किस तरीके से आप इसको अपने मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों फाइनली दोस्तों ये हो चुका है अपडेट। अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है अपने यहाँ पर गुड लक ऐप में। गुड लक ऐप में जाएंगे, वहाँ पर आप देखेंगे इसका एक्चुअल में यूज़ क्या कर सकते हैं। अगर गुड लक ऐप में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया गया है इसके अंदर यहाँ पर रजिस्टर में सबसे पहला ऑप्शन ये दिया कि आप अपने मोबाइल की सेटिंग है उसको वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। या बोल सकते हैं सेटिंग का जो ऑर्डर है वहाँ पर आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि कौन कौन से ऑर्डर में क्या पहले दिखे क्या नहीं दिखे और क्या दिखे, तो आप इसको यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके नीचे सेटिंग जो भी आपने चेंज करी है वो यहाँ पर आपको दिख जाए। सर्च ऑप्शन को यहाँ पर आप मॉडिफाई कर सकते हैं और मेन चीज यहाँ पर बैक टैप का ऑप्शन दिया है। बैक टैप मतलब कि जब भी आप अगर आप यहाँ से पीछे से बैक टैप दबाएं, जो कि आईफोन में आपको पहले से मिलता है, अब यहाँ पर आपको दे दिया गया था अभी रिसेंटली अभी 1-2 महीने पहले। यहाँ पर क्या था, आपको उसको ऑन कर लेना है। लाइक डबल टैप में आपने जो भी फीचर को यूज करना है वो लगा दीजिए, ट्रिपल टैप में जो भी यूज करना है उसको लगा दीजिए, यहाँ पर और उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज कर दो। लाइक मैंने यहाँ पर डबल टैप में बैक लगाया तो मैं डबल टैप करूंगा 1-2 तो वो बैक चले आएगा, और ट्रिपल टैप करूंगा तो स्क्रीनशॉट ले लेगा 1-2-3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बता भी देगा और वो वहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेगा। ऐसे ही अगर आप बैक करेंगे तो वो वहाँ पर बैक कर लेगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। अभी इससे पहले वाले अपडेट में क्या हुआ था कि जब भी आप अगर आप इस फंक्शन को यूज़ कर रहे थे तो वहाँ पर आपको ब्लैक कलर का एक डॉट दिख रहा था। बहुत सारे सैमसंग गैलेक्सी में इशू आ रहे थे। अभी रिसेंटली अपडेट इसलिए निकाला है ताकि वो बग को यहाँ पर फिक्स आउट कर दिया करे। तो आपको इसको अपडेट जरूर कर लेना, और अच्छे से अगर आपको देखना है कि इस ऐप से क्या क्या कर सकते हैं उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा वीडियो का, तो आप जाके जरूर देखिएगा। तो थैंक यू दोस्तों। दोस्तों मैं उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें मेरे कुछ कमी है तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और सबसे जरूरी चीज भाई, मेरे चैनल की वीडियोस को देखते तो बहुत सारे लोग हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसा मत किया करो भाई, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो थैंक यू।